हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 1 जनवरी 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर को। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स प्लान फॉर 102 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी करीब 102 लाख करोड़ का 2024-25 तक। ये जो अनाउंसमेंट है ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया, और टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 102 लाख करोड़ बाई 2024-25। और जो तीन पार्टी है इसमें या तीन स्टेक होल्डर्स हैं इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। और एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो एक्सपेंडिचर है वो किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ये फॉर्मूला है 39-39-22 का। तो 39% जो शेयर कंट्रीब्यूट करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, और बराबर की अमाउंट यानी 39% ही स्टेट गवर्नमेंट भी करने वाला है, और 22% कंट्रीब्यूशन रहेगा प्राइवेट सेक्टर का। सो दैट टोटल जो एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है 102 लाख करोड़ का वो किया जा सके। ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्यों रिक्वायरमेंट आई है इतना एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2024 और 2025 तक, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट सेट किया गया है। और उसके लिए कम से कम 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी है। इस इन्वेस्टमेंट के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छे से बूस्ट नहीं कर सकता। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी किसी भी कंट्री में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके की जाती है वो भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी। इसी कारण से इतना इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है कि गवर्नमेंट और अदर सोर्सेज के द्वारा किया जाए। मेनली इसमें गवर्नमेंट ही रहेगी, जैसे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी करीब 80% तक 39-39 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाकी प्राइवेट सेक्टर से मोबिलाइज करवाया जाएगा। अब ये जो सेक्टर हैं जिनमें पैसा जाने वाला है और कितना कितना पैसा जाने वाला है ये देख लेते हैं। ये इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद या इस पर्टिकुलर प्लान में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है या सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो एनर्जी सेक्टर को जाएगा। एनर्जी सेक्टर को 24% का पैसा जाएगा, सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया जाएगा। इसके बाद जो सेक्टर आते हैं वो है रोड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे 16%, रेलवे पे 13%, रोड पे 19% है, इरिगेशन पे 8% है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 8% है, कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन पे 3% है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, उन पे 3% है, और अदर जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी बाकी के होंगे उनमें 6% का इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा टारगेट रखा गया है। तो इसकी टाइमलाइन है 2020 से 2025 के फिस्कल ईयर तक ये खर्चा किया जाएगा, 2020 से 2025। और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2019-20 इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो कुल मिला के 6 सालों का ये टाइम प्लान है जो फेज़ बाई फेज़ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगाया जाने वाला है। और ये सारे स्टेट्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका शेयर दिया जाना है। अभी स्टार्टिंग किया जाएगा करीब 18 स्टेट्स से, और फिर धीरे धीरे करके सभी स्टेट्स में डेवलपमेंट किया जाए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऐसा टारगेट रखा गया है। अब ये जो फंड है इसमें जो पैसा आना है वो किस किस रूट से आएगा, तो इसमें बजट से भी कुछ पैसा दिया जाना है, कुछ बजटरी अलॉटमेंट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा। एक्स्ट्रा बजट मतलब अदर देन बजट से किस तरह से पैसा दिया जा सकता है, जो भी स्टेट ओन्ड कंपनीज है उनसे किस तरह से पैसा मोबिलाइज करके इसमें लगाया जा सकता है, आइदर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो भी आप ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू मोबिलाइज करके उसमें पैसा लगाया जा सकता है, या फिर PSUs के डिविडेंड का पैसा यूज़ किया जा सकता है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा मोबिलाइज करती है सरकार उसका यूज़ करके भी
इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये अलग अलग रूट्स के थ्रू पैसा मोबिलाइज किया जाएगा और मेन शेयर इसमें गवर्नमेंट का ही रहने वाला है। इसके अलावा इसके साथ में एक न्यूज़ है कि कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो 1.5% कम हुआ नवंबर में और पिछले कुछ महीनों से कंसेक्यूटिव महीनों से कोर सेक्टर का आउटपुट कम होते जा रहा है। तो इसमें मेन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। 8 कोर इंडस्ट्री वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है? 8 कोर इंडस्ट्री में आती हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोर सेक्टर में मानी जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रेलवे के बारे में। रेलवे के जो फेयर हैं वो आज की डेट से यानी कि 1 जनवरी 2020 से बढ़ने जा रहे हैं। रेल ट्रेवल टू टर्न डियरर फ्रॉम टुडे और करीब 4 पैसा पर किलोमीटर तक की वृद्धि हो रही है रेल के किरायों में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये जो फेयर हैं ये रिवाइज़ किए। बेसिक पैसेंजर फेयर एसी और नॉन एसी ट्रेन के जो 1 जनवरी से इफेक्टिव होने वाले हैं, जो भी ऑर्डिनरी नॉन एसी ट्रेन हैं उनमें 1 पैसा पर किलोमीटर की वृद्धि हो रही है फेयर्स में। जो भी मेल एक्सप्रेस हैं नॉन एसी की उनमें 2 पैसा पर किलोमीटर की वृद्धि की जा रही है और अदर एसी ट्रेन्स में 4 पैसे पर किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसके अलावा जो सीज़न ट्रेन है, जो पर्टिकुलर सीज़न में चलती हैं या फिर सब अर्बन फेयर की जो ट्रेन है उनके फेयर इंक्रीज़ नहीं किए जा रहे हैं। तो सीज़न ट्रेन और सब अर्बन ट्रेन्स के फेयर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो पर किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि की गई है इसके कारण से जो मेन जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वालों पर पड़ने वाला है, जो लंबी डिस्टेंस तय करते हैं। छोटी डिस्टेंस में पर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत एक कुछ पैसों का ही आएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जो किराया है उनमें चेंजेस काफ़ी आ सकता है। तो जो फेयर हाइक है मेनली इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स के लिए, जिसमें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस। तो इनमें जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं उनके किरायों में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। बाकी छोटी डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है CAA के बारे में। स्क्रैप CAA सेज केरला असेंबली। केरला असेंबली ने यूनैनिमसली एक रिजोल्यूशन पास किया आस्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू विड्रॉ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को विड्रॉ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा बोलने के लिए केरला असेंबली के द्वारा एक यूनैनिमसली रिजोल्यूशन पास किया गया। ऐसा क्यों किया केरला असेंबली ने? बिकॉज दे कंसीडर इट कि ये सेकुलर जो भी फैब्रिक है इंडिया का, वो सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का, उसके अगेंस्ट है ये बिल। तो यहाँ पर CAA बिल के बारे में देख लेते हैं। CAA या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये संसद के द्वारा पास किया गया है और ये बिल क्या बोलता है? ये बिल बोलता है कि अगर 3 भारत के नेबरिंग कंट्रीज से, 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नॉन मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स जो भी होंगे और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आए हैं इंडिया में, तो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता 11 साल की बजाय 5 साल में ही दे दी जाएगी। तो यहाँ पर केवल 3 कंट्रीज़ की बात की गई है, सारे नेबरिंग कंट्रीज़ की बात नहीं की गई है। इंडिया के केवल 3 नेबरिंग कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि कौन कौन सी कम्युनिटी होंगी? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और पारसीज। तो ऐसे कम्युनिटीज़ को अगर वो इलीगल माइग्रेंट्स है तो उनको, इलीगल इमिग्रेंट्स है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसी कारण से इस बिल का विरोध किया जा रहा है, बिकॉज ये सारे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को कंसीडर नहीं करता, केवल एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज़ को ही कंसीडर करता है। इसलिए केरला असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी रिसेंटली
फाइनेंशियल ईयर के दो क्वार्टर्स के लिए रिलीज की गई है, नेशनल क्लीनलीनेस रैंकिंग पहले दो क्वार्टर्स के लिए, और दोनों क्वार्टर में इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है ये नंबर वन आया है। पहले दोनों क्वार्टर में इंदौर की रैंक वन आई है। इंदौर और जमशेदपुर दो ऐसी सिटीज़ हैं जो अलग अलग कैटेगरी में नंबर वन है। तो दो कैटेगरी बनाई गई है, एक कैटेगरी है उन सिटीज़ की जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, और दूसरी कैटेगरी है जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है। तो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले यानी बड़े शहरों में इंदौर पहले दोनों क्वार्टर में रैंक वन के साथ सामने आया है। रैंक वन है क्वार्टर वन में भी इंदौर की, क्वार्टर टू में भी इंदौर की। और अगर हम छोटी सिटीज़ की बात करें 1 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन वाले के लिए, जमशेदपुर नंबर वन है। तो यहाँ पर दो सिटीज़ हो गई, इंदौर और जमशेदपुर अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर वन। अब इस पर्टिकुलर बड़ी सिटीज़ में कोलकाता बिल्कुल बॉटम पे है। कोलकाता सिटी स्वच्छता के मामले में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये रैंकिंग निकाली गई, और जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग है वो यही मिनिस्ट्री निकालती है। कौन सी मिनिस्ट्री है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात की जा रही है, और अब इसके बाद पूरे साल की रैंकिंग आने वाली है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार इंदौर ही इस रैंकिंग में नंबर वन आ रहा है। अर्बन लोकल बॉडीज गुजरात और मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों की जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो स्वच्छता के मामले में काफ़ी आगे हैं, और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी इन्हीं राज्यों के जो सिटीज़ हैं वो सामने आई हैं। अब अगर हम क्वार्टर वन की बात करें कौन कौन सी सिटीज़ है इसमें, बड़ी सिटीज़ में, पहला नंबर है इंदौर का, दूसरा है भोपाल का, और तीसरा है सूरत का, चौथा है नासिक का, और पांचवा है राजकोट का। तो पहले के तीन तो याद होने ही चाहिए, पहले के तीन के बारे में पता होना चाहिए, इंदौर भोपाल और सूरत। इंदौर भोपाल सूरत, और क्वार्टर टू में भी इंदौर ही फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे क्वार्टर टू में राजकोट गुजरात का है, और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई महाराष्ट्र का है। तो इंदौर दोनों में नंबर वन, और ओवरऑल रैंकिंग में भी पिछले कुछ सालों से इंदौर ही नंबर वन। तो ये बात हो गई स्वच्छता सर्वेक्षण कि पहले दो क्वार्टर्स की रैंकिंग के बारे में। यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। नॉट CAA बट पॉवर्टी आर बिगेस्ट एनिमी, बिल्कुल ठीक बात है, सरकारों को भी ये बात समझनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है लोकस्ट अफेक्टेड एरियाज़ के बारे में, जो राजस्थान में रिसेंटली जैसलमेर और बाड़मेर में लोकस्ट का बहुत ज़्यादा प्रकोप आया, जिसकी वजह से रबी की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है काफ़ी बड़े लेवल पे। तो एक स्पेशल असेसमेंट किया जा रहा है क्रॉप का, एक सर्वे किया जा रहा है, सो दैट जितना भी डैमेज हुआ है फार्मर्स का उसको सही से समझा जाए, और उसको कंपेंसेट किस तरह किया जाएगा इसके लिए प्लान बनाया जाए। तो एग्रीकल्चर लॉसेस के लिए फार्मर्स को कंपेंसेट किया जाए, इसके लिए एक सर्वे कराया गया है। तो यहाँ पर लोकस्ट की बात की गई है, लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट एक स्मॉल साइज के ग्रास होपर होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ ग्रास होपर होते हैं। ग्रास होपर की एक स्पीसीज होती है जो नॉर्मली तो अकेले ही दिखती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़े ग्रुप में झुंड में आ जाते हैं और फसल को बड़े लेवल पे बर्बाद कर लेते हैं। तो लोकस बेसिकली ग्रास होपर का एक स्पीसीज है जो बहुत बड़े अगर संख्या में आए फसलों पे तो फसल को बर्बाद करके रख देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर और उसके नियर बाई एरिया में राजस्थान में, एक बड़े लेवल पे फसलों को बर्बाद किया इसने। और कौन सी फसल थी ये? राबी की फसलें थी। राबी की फसल क्या होती हैं? राबी की फसल या राबी हार्वेस्ट को विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये विंटर में बोई जाती हैं, विंटर में इनको सोड किया जाता है। विंटर में तो सोइंग होती है और हार्वेस्टिंग इसको किया जाता है स्प्रिंग के टाइम में, मतलब होली के दौरान इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसमें जो मेन राबी की सीरियल्स हैं वो हैं वीट, बार्ले, ग्राम, रेप सीड, मस्टर्ड, और राजस्थान में वो राबी की क्रॉप्स जो बर्बाद हुई हैं लोकस्ट के कारण वो क्रॉप्स हैं क्यूमिन सीड, क्यूमिन, साइलियम एंड कैस्टर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्यूमिन,
साइलियम, क्यूमिन साइलियम और कैस्टर सीड, क्यूमिन सीड साइलियम और कैस्टर सीड। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा ट्राइबल ग्रुप के बारे में, उड़ीसा ट्राइबल्स स्टिल सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। राइट टू फूड कैंपेन एक प्लेटफॉर्म है, एक ग्रुप है सोशल एक्टिविस्ट का, उसके द्वारा ये बात बताई गई है कि किस तरह से उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट वेलफेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बेनिफिट्स नहीं पहुँचे हैं या उनका पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जिसके कारण से जो वहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं वो बहुत ही बुरी और दयनीय कंडीशन में रह रहे हैं। मेनली ये उड़ीसा के बैकवर्ड एरिया में ट्राइबल्स बहुत ही मतलब पुअर स्टेट में रह रहे हैं, जिसमें उन हंगर और माल न्यूट्रिशन से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एरियाज को समझा गया और उनका सर्वे किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है राइट टू फूड कैंपेन। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक ट्राइब की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये डायरेक्टली एज सच पूछी जा सकती है। पौडी भुवान ट्राइब उड़ीसा में रहती है और करीब 4 विलेजेस में ये ट्राइब रिसाइड करती है। पौड़ी भुयान ट्राइब, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है पौड़ी भुयान ट्राइब किस स्टेट को बिलोंग करती है, किस स्टेट में रहती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा उड़ीसा। तो पौड़ी भुयान ट्राइब उड़ीसा के कुछ विलेजेस में, आइसोलेटेड विलेजेस में रहती हैं। यहाँ पर इन विलेजेस में किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ही पुअरली इम्प्लीमेंटेड की जा रही है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो होती है ICDS के प्रोग्राम जो फूड सिक्योरिटी के लिए मेनली बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं वो इन विलेजेस तक नहीं पहुंच पाए, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं। और इस कारण से पौड़ी भुवान ट्राइबल विलेजर्स को या उनके विलेजेस को इसकी इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाए। ICDS की कोई भी अथॉरिटी पिछले 2 दशकों में, जब से ये प्लान चल रहा है, पिछले 2 दशकों में इन विलेजेस में नहीं गया है, कोई भी चिल्ड्रेन कभी भी इम्यूनाइज नहीं किया गया है और जो कुक्ड फूड बच्चों को स्कूलों में मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरह से अभी भी कंट्री में बहुत सारे पॉकेट्स हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारे विलेजेस हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग हंगर और माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं, लेकिन उन तक गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके बेनिफिट्स वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पर मनरेगा के जो पेमेंट होते हैं वो भी कई सालों से इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को नहीं मिले हैं। तो भुयान ट्राइब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस आर्टिकल से, याद रखेंगे पौड़ी भुयान ट्राइब उड़ीसा। नया ब्रेल कैलेंडर इशू किया गया है उड़िया लैंग्वेज में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। 2020 का नया ब्रेल कैलेंडर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। भीमा कोरेगांव विलेज प्रिपेयर्स फॉर हिस्टोरिक डे। अब 1 जनवरी हिस्टोरिक डे के रूप में मनाया जाता है भीमा कोरेगांव विलेज में। और ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज 1 जनवरी 1818 में यहाँ पर एक बैटल लड़ी गई थी और एक कम्युनिटी के द्वारा इस बैटल में जो विजय प्राप्त की गई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। न्यू ईयर के ही दिन को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार 202वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और 2 साल पहले आज ही के दिन यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ के बीच क्लैशेस हो गए थे, जिस कारण से भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, सो दैट कोई भी प्रोटेस्ट या क्लैशेस होता है तो उसको तुरंत के तुरंत रोका जा सके। भीमा कोरेगांव विलेज हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ भीमा कोरेगांव बैटल ऑफ 1818। अब नेक्स्ट इज पिंक ब्यूटी। यहाँ पर एक फोटो दे रखी है फ्लैमिंगोस की। ये फ्लैमिंगो घाटप्रभा रिवर में है। घाटप्रभा रिवर कर्नाटका में है, कर्नाटका में कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है घाटप्रभा रिवर। और घाटप्रभा रिवर पे एक फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है गोकक। गोकक वाटरफॉल घाटप्रभा रिवर पे है और फ्लेमिंगोस के लिए काफ़ी फेमस है, उसी की फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 1/5 ऑफ कंट्रीज़ फॉरेस्ट प्रोन टू फायर। करीब 1/5 यानी 20% कंट्री के फॉरेस्ट
फायर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, ऐसा स्टडी के हिसाब से बताया गया है। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में जो भी फॉरेस्ट है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, वो उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आग लगे, ऐसा कहती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। करीब 21.40% का जो फॉरेस्ट कवर है वो प्रोन टू फायर है, और उसमें से ज़्यादातर फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और जो भी फाइंडिंग्स ली गई हैं ये 2004 से 2017 तक के बीच के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ली गई हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें मिजोरम स्टेट ऐसा स्टेट है, एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा आग लगने के जो केसेस हैं जो फायर अलर्ट से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए, करीब 2795 पिछले एक साल में। तो मिजोरम सबसे ज़्यादा प्रोन है आग लगने के मामले में। इसके अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ये भी काफ़ी प्रोन है आग लगने के मामले में। जो मेजर रीज़न है फॉरेस्ट फायर के नॉर्थ ईस्ट में, वो माने जाते हैं कि जो झूम कल्टीवेशन होती है या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होती है उसके कारण आग बहुत लगती है। बिकॉज इसमें तो इंटेंसली जंगल में कुछ पैचेस ऑफ ट्रीज़ को, ट्री के एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ट्री हैं उनको इंटेंसली जलाया जाता है सो दैट वो एरिया साफ़ हो जाए और वहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ खेती कर सकें या रह सकें, खेती कर सकें। और कुछ साल के बाद वो एरिया जब वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है, तो उसको छोड़ के फिर दूसरे पार्ट में ट्राइबल लोग चले जाते हैं रहने के लिए, और वहाँ पर जंगल का थोड़ा एरिया जला के फिर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट और जंगल के उस एरिया में जो आग लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को भी एक कारण माना जा रहा है। और इसमें एक मैप दिया गया है जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है किस रीज़न में आग ज़्यादा लगती है। रेड मार्क्ड जो भी लोकेशंस हैं वो ज़्यादा प्रोन है, ये नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का पार्ट ज़्यादा प्रोन है आग लगने के मामले में। और सेंट्रल इंडिया में साउथ, छत्तीसगढ़, साउथ का जो पार्ट है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का और उड़ीसा का, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है। अब इन दोनों एरिया में जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो भी अलग अलग है, फॉरेस्ट के टाइप अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा हैं। एवरग्रीन क्यों? क्योंकि हमेशा फॉरेस्ट का कुछ ना कुछ पार्ट तो एवरग्रीन रहता ही है, वहाँ पर उसमें पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ रहती हैं। लेकिन सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट का टाइप है वो है ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर सूखे वन ज़्यादा हैं सेंट्रल इंडिया में, और अगर पेड़ या कोई लोकेशन जंगल में सूखी होगी तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तब भी आग लग जाती है, और बहुत ही जल्दी आग लग जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट और इस में अगर कंपैरिजन आए सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर हैं, और सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर बारिश कम होती है नॉर्थ ईस्ट की तुलना में, यहाँ पर ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट ज़्यादा है। और आग लगने के जो मेन कारण हैं वो दो कारण होते हैं, एक है मैनमेड यानी कि किसी इंसान की वजह से लगाई गई इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और दूसरा कारण है नेचुरल। जो भी कारण होते हैं उसमें या तो कोई विजिटर घूमने गए हैं जंगल में, उन्होंने बीड़ी या सिगरेट जलती हुई छोड़ दी और फेंक दी जंगल में, उसके कारण भी आग लगती है, या कोई फ्लेमेबल मटेरियल छोड़ दिया, जलती हुई तिल्ली छोड़ दी, तो उसकी वजह से भी आग लगती है। नेचुरल कारण होता है बिजली के कड़कने से या थंडर स्टॉर्म को भी आग लगने का एक कारण माना जाता है। तो ये पर्टिकुलर वाइल्ड फॉरेस्ट और फॉरेस्ट फायर की बात की गई है इस आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल है चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 इसी साल लॉन्च किया जाएगा, ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि इसी साल लॉन्च किया जाने वाला है। और चंद्रयान 3 जो है ये दो पार्ट को कंसीडर करेगा, दो पार्ट रहेंगे इसमें। चंद्रयान 2 में 3 पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो चंद्रयान 2 3 पार्ट को लेकर चल रहा था, और चंद्रयान जो 3 है ये इसमें केवल लैंडर और रोवर ही रहने वाला है, यानी कि एक लैंडर होगा जो लैंड करेगा मून की सरफेस पे, और रोवर होगा जो घूमेगा मून की सरफेस पे, उसकी रिपोर्ट, उसको फाइंडिंग करेगा, सर्वे करेगा।
चंद्रयान 3, और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम रहने वाली है चंद्रयान 2 के मुकाबले, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो गया रावत 2 हेड मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। CDS के बारे में हमने कल ही पढ़ा था, CDS एक 4-स्टार जनरल की पोस्ट होगी, 4-स्टार जनरल होगा कम से कम, वो एक मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का हेड होगा, वो डिफेंस मिनिस्टर के लिए एक मिलिट्री एडवाइज़र का काम करेगा, और जो भी कमिटी होगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की उसका चेयरमैन होगा। तो ये सब CDS की बात है। CDS का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो भी 65 साल, 65 ईयर्स डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हालांकि टेन्यूर अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये बात कर ली हमने CDS के बारे में। अब मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये अभी रिसेंटली क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एक डिपार्टमेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री में। अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री में केवल 4 ही डिपार्टमेंट थे, केवल 4 डिपार्टमेंट थे, और अब ये 5वां डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। 4 कौन कौन से डिपार्टमेंट थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ये 4 डिपार्टमेंट थे, अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी 5वां डिपार्टमेंट बन गया। तो एज ए डिपार्टमेंट काम करेगा ये डिपार्टमेंट, और इसके हेड होंगे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और किन किन चीज़ों को डील करेगा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ये जो डिपार्टमेंट है ये आर्म फोर्सेस से रिलेटेड चीज़ों को डील करने वाला है। ये एक इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर की तरह काम करेगा मिनिस्ट्री का, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी होंगे, डिफेंस स्टाफ के लोग भी होंगे, टेरिटोरियल आर्मी का भी ये हेडक्वार्टर होगा, और इसमें 3 सर्विस से रिलेटेड जितने भी एक्सक्लूसिव 3 सर्विसेज के लिए प्रोक्योरमेंट रहते हैं वो भी ये डिपार्टमेंट देखने वाला है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो भी देखेगा। केवल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल बड़ी बड़ी चीज़ें हैं प्रोक्योर करने की बात, वो DAC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाएगा, और बाकी चीज़ें मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ही देखने वाला है। तो इस डिपार्टमेंट को एज ए 5th डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री स्टार्ट किया गया, और CDS प्रिंसिपल एडवाइज़र होंगे डिफेंस मिनिस्टर के। अब वर्ल्ड पेज पे ताइवान पासेज ए लॉ टू कॉम्बेट चाइना इन्फ्लुएंस। अब ताइवान भी हांगकांग के कदमों पे चल रहा है। ताइवान ने चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए एक लॉ पास किया है। अभी यहाँ पर नई प्रेसिडेंट बनी थी और उनके द्वारा ये लॉ पास किया गया। अभी करेंटली ताइवान का जो स्टेटस है, जो पॉलिटिकल स्टेटस है, वो अनसर्टेन है। ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, बट चाइना ताइवान को चाइना का पार्ट मानता है। यूनाइटेड नेशन में चाइना के थ्रू ही ताइवान भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ताइवान डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन में नहीं है, या यूनाइटेड नेशन का मेंबर ताइवान नहीं है। तो ताइवान ने खुद पे जो इन्फ्लुएंस है चाइना का ताइवान पे, उसको कम करने के लिए ये बिल पास किया है, सो दैट्स वो एज ए इंडिपेंडेंट नेशन बन सके, और जो ताइवान के अलग अलग मैटर्स में चाइना का हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, उसको कम किया जा सके। इसीलिए ये लॉ पास किया गया है ताइवान के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज टू 0.9% ऑफ GDP, GDP का 0.9% कम हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट ये एक डेफिसिट है किसी अकाउंट का। कौन से अकाउंट का? करंट अकाउंट का। तो बेसिकली अगर हम इंडिया और किसी दूसरी कंट्री का एक्सटर्नल जो आपस में जो भी लेन देन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या BOP। अगर हम BOP को देखें तो BOP एक्सटर्नल जो भी लेन देन होता है इंडिया का उस या किसी भी दूसरी कंट्री का, उसका ओवरऑल मेजर करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से, कितना पैसा आया कितना गया। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक हो गया करंट अकाउंट और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट में जो डेफिसिट है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है, जो कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट होता है वो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, और दोनों में अगर जो डेफिसिट हो रहा है तो वो BOP क्राइसिस की कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जा रही है, और करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो मेनली ट्रेड डेफिसिट भी कहलाता है, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में जो डिफरेंस है या डेफिसिट है उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो जितना भी
इंडिया में इम्पोर्ट हुआ, जो भी गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट हुआ है वो अगर ज़्यादा हो जाए गुड और सर्विसेज के एक्सपोर्ट वैल्यू से, तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डेफिसिट। तो अगर इम्पोर्ट बढ़ जाए, जो हमारे इम्पोर्ट है ये ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो यहाँ पर डेफिसिट हो जाता है। और यही कंडीशन अब ये डेफिसिट कम हुआ है। तो डेफिसिट कम होने का क्या कारण है? या तो इम्पोर्ट थोड़ा कम हुआ है, या एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है, या दोनों का कंपेयर अगर दोनों को करें तो थोड़ा सा इम्पोर्ट भी कम हुआ है, एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो कोई भी कंडीशन रही होगी, और ये इस कारण से 0.9% GDP का CAD या CAD कम हो गया है। अगले आर्टिकल में फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है। फिस्कल डेफिसिट हिट्स 115% ऑफ बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट का 115% पहुंच गया फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का, सरकार का जो भी टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें डेफिसिट। तो इसमें डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा रेवेन्यू के, जो इनकम से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इट क्रिएट्स अ डेफिसिट। तो ये गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट को। इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तब फिस्कल डेफिसिट होता है। तो ये दोनों डेफिसिट देख लिए हमने। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।